بیا ای عزیز دل فاطمه، نظر کن که چشم انتظاریم همه. به قلب علی بوی زهرا قسم، که ما عهدمون با خدا محکمه. Assalamualaikum dear brothers and sisters, आज हम बात करने वाले हैं मारिफत के बारे में. मारिफत यानी कोई भी चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी रखना और उसके बारे में और ज़्यादा जानना. और हमें सबसे ज़्यादा मारिफत हमारे वक्त के इमाम महदी अखरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि वही हमें इस दुनिया में और बाद की दुनिया में फ़ायदा दे सकते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततल जाहिलिया. यानी जो कोई अपने वक्त के इमाम के बारे में जाने बगैर मर गया, गोया वो जाहिलियत की मौत मरा. कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि वो लोगों को कयामत के दिन उनके इमाम के साथ उठाएगा. इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने वक्त के इमाम के बारे में मारिफत रखना ज़रूरी है. तो अब बात करते हैं हमारे वक्त के इमाम के बारे में. उनका नाम रसूल खुदा का नाम है और हम लोग उन्हें इमाम महदी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, या इमाम ज़माना करके बुलाते हैं. और हमें जब भी हम उनका नाम सुने तो हमें रिस्पेक्ट में झुकना चाहिए या खड़े हो जाना चाहिए. उनकी विलादत 15 शाबान 255 हिजरी में हुई थी, लेकिन खाली उनकी बर्थ डेट जानना और साथ में उनका नाम जानना काफ़ी है? नहीं, हमें अपने वक्त के इमाम के बारे में मारिफत हासिल करते रहना चाहिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह दिखाई देता है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं दिखाई देता, तो भी हम अल्लाह को मानते हैं. वैसे ही हमें अपने वक्त के इमाम के बारे में मारिफत हासिल करने में उनका दिखना ज़रूरी नहीं है. इमाम एक रहम दिल बाप और साथ में एक सच्चे दोस्त के तरह होते हैं. उनको हमारे हर हाल के बारे में पता होता है. जैसे अगर हम कोई परेशानी में हो या मुसीबत में हो, तो इमाम को वो पता होता है और इमाम हर तरीके से कोशिश करते हैं और हमें उस परेशानी या मुसीबत से निकाल देते हैं. इमाम महदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम अपने शियों से एक लम्हा भी गाफिल नहीं होते. अगर ऐसा होता तो उनके दुश्मन उन्हें रौंद कर रख देते. मतलब इससे पता चलता है कि इमाम हमें हर वक्त देख रहे होते और हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं. क्या आपको मालूम है अपने इमाम से राब्ता रखने का सबसे आसान तरीका? वो ये है कि हम रोज सुबह उठकर बस एक चीज कहना है, अस्सलाम वालेकुम या साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम. और हमें बस उन्हें उस नाम से याद करना चाहिए जिस नाम से अल्लाह ने कुरान में किया है, और वो नाम ये है अस्सलाम वालेकुम या बकियतुल्लाह फर्ज़े, यानी अल्लाह की आखिरी हुज्जत इस ज़मीन पर. तो आज हमने बात की हमारे आखिरी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में, पर हमें पूरे 12 इमामों के बारे में मारिफत हासिल करना चाहिए ताकि हमारे दिल में उनके बारे में और ज़्यादा मोहब्बत बढ़े. तो मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय. یا ای عزیز دل فاطمه، نظر کن که چشم انتظاریم همه. به قلب علی بوی زهرا قسم، که ما عهد
عهدمون با خدا محکمه. Yeah.